मॉर्निंग गाइज, आज है डे टू और आज हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार से जोशी मठ के लिए, जो कि है 10 आवर्स की जर्नी। बाकी रास्ते में मालूम पड़ेगा ट्रैफिक और लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हो रही है, तो बारिश बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ ऐसा सुनने में आया है। तो देखते कि कैसा रहता है आज का सफ़र। और ये है हमारा रूम जिसमें हमने नाइट स्टे किया था। काफ़ी सारा मैस हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और हमें इस रूम को लीव भी करना है, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें पैक करनी है एंड देन निकलना है। और अभी बाय द वे टाइम हो रहा है 6:30 और आज है संडे, तो हमारी ट्रिप जो स्टार्ट हुई थी वो सैटरडे से स्टार्ट हुई थी और आज संडे है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे रूम की जो विंडो है, उससे विंडो से एक बहुत ही प्यारा सा टेम्पल दिखाई दे रहा है, जस्ट बराबर में ही है और वो जैन टेम्पल है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है वो टेम्पल जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, विंडो से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये आई होप आप देख और ये है मेन रोड। तो अभी हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए और यहाँ पर है चाय गर्मा गर्म और दीदी ने सर्व किया है सबके लिए ब्रेकफास्ट। चाय गर्म गर्म चाय। चाय वाले बाबू आ गए, ये लीजिए चाय। उधर पापा भी चाय पी रहे हैं मेरे, इधर मेरे जियाजी है जो चाय पी रहे हैं, उधर पापा है मेरे और यहाँ है दीदी का बेटा और ये है प्रशांत, ये है मेरी सिस्टर। अभी हम लोग ट्रांसफर होके प्रशांत की गाड़ी में आ रहे हैं। ट्रांसफर हो गया, हम लोग बस ऐसे ही इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी इस गाड़ी में कभी उस गाड़ी में, जहाँ मन कर रहा है वहाँ इधर से उधर भटक रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हम जब मैं अपनी जियाजी की गाड़ी में बैठी हुई थी तब हम लोगों का एक काइंड ऑफ स्मॉल एक्सीडेंट काइंड ऑफ हो गया था, तो उसमें ना तीन गाड़ियां एक साथ लगी थी एक के पीछे एक। पहले प्रशांत की गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक लगाया अचानक से, फिर प्रशांत ने ब्रेक लगाया, उसके पीछे हमारी गाड़ी थी और तीनों गाड़ियां एक साथ ढुकी और उसके पीछे एक और गाड़ी थी जिसने इतना जबरदस्त ब्रेक लगाया कि उसका जो आगे का जो बोनट था वो पूरा क्रश हो गया, है ना, पूरा बोनट क्रश हो गया। और दीदी के एकदम से जब झटका लगा ना तो पीछे वाले ने बहुत फोर्स से लगाया था, तो झटका लगा तो दीदी की जो एक साइड का जो कान है वो जाकर सीट पे लगा और यहाँ से ब्लड बहने लगा। अभी तो ठीक हो गया है, खैर पता है कान में से ब्लड बहने तो डैश हो जाती है, लेकिन कान के अंदर से नहीं बह रहा था दीदी तेरे, कान के अंदर से नहीं था ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने देख लिया है और अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर दिया है। ट्रीटमेंट कर दिया, क्या किया, हमने एक जना बोरोलिन लगा रहा है, एक जना मूव लगा रहा है और एक जना मजाक कर रहे हैं हम लोग ऐसी, लेकिन हम लोगों ने प्यार का ट्रीटमेंट करा है, एक्चुअली प्यार का, हमने इसको पुचकार दिया, हमने कहा दीदी प्लीज तू
ट्रीटमेंट होता है ना कहीं ज्यादा बड़ा होता है किसी और ट्रीटमेंट से, तो जब हमारी दवाइयाँ मिल जाएंगी जो कि पीछे कहीं गाड़ी में फंसी हुई है तो हम वो भी लगा। तो गाइज इस ट्रिप पे निकलने से पहले मैंने काफी सारी वीडियो है जो मैंने कहते हैं एडिटिंग करके रखी हुई थी और उन्हें स्केड्यूल में भी डाल दिया है, तो धीरे धीरे कर आपको वो वीडियो आपके चैनल पर मिलती रहेंगी, मतलब मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और आप इन्हें एंजॉय करते रहिएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं उन पर कोई भी कमेंट नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि मतलब यहाँ पर सिग्नल्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो कभी सिग्नल्स आते कभी नहीं आते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है फिलहाल, गाइज यहाँ पर लोग कर रहे हैं राफ्टिंग और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का व्यू, तो वो है राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग, काफी सारे लोग। हमारा भी प्लान नहीं है, हम लोग लौटते में ऋषिकेश रुकेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर की अगर बात की जाए तो आप सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर, नो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये है उत्तराखंड वाला। और यहाँ से आपका जो जोशी मठ है वो है 156 किलोमीटर, और टाइम लगने वाला है 4 to 5 hours। और तो अभी ऐसे ही हो रहा है 12:30, तो मुझे लगता है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएंगे 5:30 और 6 o'clock के बीच में जोशी मठ, अगर कोई भी रास्ते में लैंडस्लाइड या ट्रैफिक नहीं मिलता है तो मैं आपको बता रही हूँ। और इस बीच में हमें एक ब्रेक भी लेना है क्योंकि हम लोगों ने लंच में कुछ भी नहीं खाया है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने चाय के साथ सूखा वाला ब्रेकफास्ट किया था ड्राई, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। और बाय द वे एक होटल मिल गया है,
बारिश स्टार्ट हो गई है और पूरा वेदर चेंज हो गया है, क्लाउडी हो गया है और साथ में हो रही है रेन। काफ़ी इंजॉयबल वेदर लग रहा है मेरे को, मुझको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग, मुझको लगता है रिलैक्सिंग एक्चुअली ऐसा वेदर। हाँ बहुत ज़्यादा सनी था मॉर्निंग से, तो ये जो वेदर है काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है मेरे को। प्यारा बहुत ही औसम व्यू मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, पीछे देखिए आप। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही औसम व्यू जो कि जस्ट मेरे पीछे है। Awesome view. Hope you can see that. Oh my God, this is beautiful. तो guys, अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये श्रीनगर में है और ये उत्तराखंड का श्रीनगर है जैसा कि मैंने पहले बताया था। और पीछे ये कुछ लोग हैं जिस रास्ते से हम लोग आए थे, उस रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। जाएंगे कैसे? जाएंगे तो हाँ, वो एक और रास्ता है जो पीछे चले जाएंगे, पीछे एक और रास्ता है उधर, लेकिन ये वाला रास्ता ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये श्रीनगर से जोशीमठ की तरफ हम लोग जा रहे हैं तब ये वाला रिवर पड़ा है। और ये रिवर नहीं, काफी सुंदर बीच रिवर कह सकते हैं। है और यहाँ पर व्हाइट सैंड है, आप देख सकते हैं व्हाइट सैंड इज सो ब्यूटीफुल। ऐसे गोल घूम जाओ। तो गाइस, आपने देखा कितनी खूबसूरत है ये उत्तराखंड की वादियाँ। और यहाँ पर है बहुत ही प्यारा व्यू, अमेजिंग। अच्छा क्लाइमेट हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं शायद मेरे पास वो वर्ड नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाइमेट है और ऊपर बर्फ भी देख पा रही हूँ मैं।
एक्चुअली हम लोग सुबह 7 o'clock निकल लिए थे और अभी 7:30 के करीब होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 12 hours लग गए हैं, है ना, 12 hours लग गए हमें यहाँ तक पहुँच, 7 हुए अभी, तो हमें ऑलमोस्ट 12 hours हो गए हैं। तो मतलब जर्नी जो थी वो गूगल पे जब हमने सर्च किया था नेविगेटर के थ्रू, तो 8 hours जर्नी और 8.5 hours जर्नी दिखा रहा था, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ है और बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लिया था, लंच ब्रेक और टी ब्रेक, तो उसकी वजह से जो जर्नी थी वो 12 hours में भी कन्वर्ट हो गई। प्लस पहाड़ होने की वजह से क्या था ना, बहुत सारी जगह स्पीड आपको कंट्रोल करनी थी, जैसे 20 की स्पीड रखनी है या 40 की स्पीड रखनी है, तो आप ज़्यादा नहीं रख सकते, बहुत पतली पतली जगह है, फिर वन वे भी है, तो थोड़ा सा टाइम बफरिंग लेकर आए आप अगर इधर की तरफ आ रहे हो, तो थोड़ा सा होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग निकले। आपका स्वागत है जोशीमठ। अभी फिलहाल हम लोग जोशीमठ बस पहुँचने ही वाले हैं और हमारा यहाँ पर जो होटल है उसका नाम है तत्वा, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ओके गाइस, हम लोग अब पहुँच चुके हैं अपने होटल रूम और ये है कुछ व्यू होटल रूम का, रूम नहीं है ये तो एक्चुअली बीच का, हाँ कॉटेज है ये और ये बीच का पाथ है, तो ये रूम है, चारों तरफ आप देख सकते हो, चारों तरफ कैफेटेरिया। तो ये है हमारा वाला रूम और इधर है मेरी सिस्टर का रूम और उधर है मेरे पापा का रूम, तो यहाँ पर हम तीनों के रूम पास पास ही मिले हैं। और तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने वाले रूम में, इधर बैठने का भी सिटिंग अरेंजमेंट भी है। और ये है हमारा वाला रूम, बहुत ही प्यारा है, टर्कवाइज ग्रीन कलर की इसमें पूरी क्या कहते हैं बेडिंग हो रही है, टर्कवाइज कर्टेन, कशिश को टर्कवाइज पसंद है। और इधर टीवी लगा हुआ है, इधर छोटकू सा बाथरूम है, इसमें इधर बाथ उधर पानी के नहाने के लिए है। और ये सामने है लो गाइस, और इधर बड़ा वाला वैनिटी एरिया और कॉफी बाय। तो अभी कॉफी मशीन और ये पॉर्च और इधर एक और छोटी सी बालकनी है जिसका व्यू बाहर की तरफ निकलता है, लाइट जलाना। ओके, तो ये यहाँ का व्यू है बाहर बैठने का बालकनी में, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और मैं मॉर्निंग में बाकी आपको सारा व्यू दिखाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा व्यू आएगा, तो वहां से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। Just had our dinner. Now we are playing carrom. Sports room. Now we are in sports room. Yes, and playing carrom. है सुहाना यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, बिजली 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 याहू 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 क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हुल्लई हुल्लई हू हुल्लई हुल्लई हू। विच सॉन्ग? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड, कीप ऑन। नानी बहुत अच्छे गाने बजाती थी बेटा पियानो पे, बहुत सारे गाने बजाने आते थे उन्हें। एंड पापा इज प्लेइंग विच सॉन्ग? पापा कौन सा गाना बजा रहे हो? पापा कौन सा गाना बजा रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे पापा पियानो पर कुछ बजा रहे हैं और आज बहुत ही अच्छे मूड में हैं पापा। बहुत टाइम बाद मैंने उन्हें इतने अच्छे मूड में देखा है। ही इज हैप्पी एंड ही इज हैप्पी, सो नाउ वी आर हैप्पी। मैं बोलता हूं। ओके गाइस, वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग कॉफी। यस, फीलिंग सो टायर्ड। सुबह को जल्दी नहीं उठना तुम्हें? कॉफी एंजॉय कर रही हो तो? हाँ, तो क्या है, रात की कॉफी तो हर कोई एंजॉय कर रहे। मेरे साथ तुम लोग नहीं कर रहे? सुबह को उठ नहीं पाएंगे। आज कॉफी एंजॉय कर लो आज तुम लोग। मैं तो कल आज तुम्हारा कॉफी डे है। आज ड्राई डे है, आज ड्राई डे है तुम्हारा। ठीक है, तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।